बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, वो दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज जाग थोड़ी सी लेट आई है, क्यों तबीयत थोड़ी सी ढीली सी हो रही है, गला ख़राब हो रहा है, आवाज़ से भी कुछ महसूस हो रहा होगा, क्यों कल पूरा दिन भाग दौड़ में रहा हूँ, थकावट काफ़ी थी। अब्बा जी भी आए हुए थे, क्यों इधर एक फोतकी हुई हुई थी तो उसका जनाजा पढ़ने के लिए आए थे अब्बा जी इधर, तो इसलिए थोड़ी सी भाग दौड़ ज़्यादा हो रही थी कल। तो रात तकरीबन 10 के बजे जाके अब्बा जी को बाईपास पे हम बैठा के हैं, तो फिर इसी वजह से रात को नींद भी नहीं आई है कि पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। मैं रात में अक्सर 2 बार तकरीबन कॉल किए मैंने अब्बा जी को, तो कुछ उस वजह से भी थोड़ा सा लेट सोया था, इस वजह से नींद भी नहीं पूरी हुई है। आंखों में अभी भी खुल नहीं रही हैं, बड़ी मुश्किल से खुली हुई हैं, तो अभी फ्रेश हो के आया हूँ, तो क्लास की तैयारी कर रहा हूँ, अभी पहुँचना है। क्यों कल भी तकरीबन, कल मैं जोहर के बाद भी क्लास में नहीं गया, क्यों घर में कोई भी नहीं था, सब गए हुए थे और मैं अकेला था, तक भी कोई भी नहीं था, मैं अकेला था घर में, तो बोरिंग भी थी। ये देखिए 1:30 हो चुका है, दोपहर के 1:30 बजे हुए हैं, अभी आया हूँ। तो 12 बजे छुट्टी होती है मुझे, तो उस वक्त जब छुट्टी हुई थी तो मामू जी की कॉल आई थी कि दुकान पे कोई नहीं था तो दुकान पे जाना पड़ा, नहीं तो मैं इस टाइम दुकान पे बहुत कम जाता हूँ, बहुत ही कम, कभी कभार। ये भी उन्हीं में से है कभी कभार में से, क्योंकि इस टाइम मैं आगे अपने YouTube चैनल को चेक करता हूँ कि कुछ टाइम उसको देता हूँ, तो जब पता है मैंने काम भी वही करना है तो फिर उसी सिलसिले में उसी की तरफ मेरा ध्यान रहता है, हुसैन भी उधर ही रहता है कि उसको कैसे चलाना है, कैसे काम करना है। 2-3 दिन से रात की नींद नहीं पूरी हो रही है मेरी, तो परसों भी मेरा सर में दर्द था तो मैं उसी वक्त भी यही सोच रहा था कि क्यों दर्द हो रहा है, तो फिर कल ही ध्यान में आया कि मैं तकरीबन 2 दिन से ही नहीं, मेरी रात को नींद पूरी होती नहीं है, तो रात भी तकरीबन 1 बजे सोया हूँ, क्यों अब्बा जी पहुँचे थे मेरे 2 बजे, वो भी उनको उन्होंने जहाँ हमने अब्बा जी हमारा जो स्टाफ है हमारे गांव का, अब्बा जी को उधर नहीं उतारा है, तकरीबन 10 किलोमीटर आगे उतारा है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी तंगी हुई है रात को। तो मेरी तो सुबह बात हुई थी, क्यों मैं रात नींद काफ़ी थी, थकावट भी थी, जिसकी वजह मैं सो गया था फिर 12-1 बजे, क्यों 11-12 बजे तो मैंने कॉल की थी, पूछा था अब्बा जी से कि कहाँ पहुँचे हैं, कि ये एक जहन में टेंशन सी रहती है, क्यों टाइम काफ़ी था, रात का सफ़र भी ऐसा ही होता है, तो इस वजह से कभी भी मेरा दिल कर रहा है थोड़ा सा आराम करूँ, तो सोच भी रहा हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, क्यों जोर के बाद पढ़ाई भी है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हैं चिप्स खा रहे हो, इधर लेके आओ, ये तो थोड़ी सी है, ये तो थोड़ी सी है, मैं क्या, ये तो थोड़ी सी है, हाँ सुबह से क्या कर रहे हो, सुबह से क्या कर रहे हो, क्यों है, हाँ दिया, हाँ दिया, ये तो है, ये तू है, हाँ जी जी। और जिस वक्त मुझे छुट्टी हुई थी उस वक्त बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी, और साथ धूप भी थी, तो अभी भी कुछ मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, मज़े का हो रहा है, हवा चल रही है, बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन जो उस वक्त बारिश हुई थी उसकी वजह से काफ़ी हबस हुआ है अचानक से, तो अब कुछ बेहतर है जब से हवा चल रही है। ये देखें कितना खूबसूरत है आसमान,
ये सीन उस वक़्त लिया था जब मैं क्लास में जा रहा था। उसके बाद फिर क्लास का टाइम हो गया था, फिर मैं क्लास में बैठ चुका था, तो अभी दुकान पे आया हूँ। असर का टाइम हुआ है, असर की नमाज़ पढ़ के निकले थे हम। ये देखें बादल, ख़तरनाक किस्म के बादल हैं ये। हकीम साहब नीचे आ चुके हैं, मुझे अभी ऊपर से पता चला है कि एसी चल चुका है, कि एसी का जो आउटडोर है ऊपर लगा हुआ है, कि वो उसी वक्त चलता है जब हकीम साहब आते हैं। तभी मुझे नीचे जाना होगा कि मरीज़ भी बैठे थे, जब मैं आया था उस वक्त मरीज़ ही बैठे थे, कल सब नहीं थे, तो अब जाना पड़ेगा कि मरीज़ आ गए हैं, उनको दवाई वगैरह देनी पड़ती है। तो अभी नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है, और मगरी के वक्त ही फारिग हो गए हैं अपनी रूटीन के मुताबिक। बारिश चेक करें कितनी ज़बरदस्त आ रही है। ये मैं अभी दुकान से देखा तो भाई निकला हूँ, मौसम ठंडा होने की वजह से आज मेरा मूड था बाहर खाना खाने का, और मैंने दोस्त को कॉल भी की, काफ़ी भी दावत दी उसको आने की, कि मौसम ठंडा था ना तो उसकी वजह से कुछ दिल कर रहा था कुछ कबाब वगैरह टिक्के वगैरह हों, तो मगर बारिश की वजह से उसका घर थोड़ा सा दूर था वो नहीं आ सका। फिर घर में भी चावल बने हुए थे वो भी मज़े के थे, और बारिश में चावल भी अच्छे लगते हैं, तो बस फिर वही खाए हैं। तो अभी फारग हुए हैं, ऊपर की सूरत हाल भी देखनी है क्योंकि बारिश हुई है, चारपाई वगैरह मेरी बाहर थी, पता नहीं भीगना गई हो, थोड़ी सी बरामदे के नीचे की थी, पता नहीं अब क्या सूरत हाल है, वो भी चेक करनी पड़ेगी, जाके पता चलेगा। तो अभी बस 5-10 मिनट तक चलता हूँ, पहले तो देखता हूँ बारिश रुकी है कि नहीं रुकी है। चारपाई थोड़ी सी गीली थी तो, लेकिन मैंने बिछा लिया ऊपर, बिस्तर वगैरह बिछाया हुआ है कि अब सोना तो है, क्यों हवा बहुत मज़े की चल रही है ऊपर, इसलिए ऊपर ही सोना है। अम्मी जान की कॉल आई थी कि आज नीचे सो जा, बारिश हुई है, तो अम्मी जान की कॉल रोज़ाना इस टाइम आती है, मगर आज भी आई थी तो उन्होंने यही कहा था, लेकिन नीचे सोने में मज़ा ही नहीं है, गर्मी है नीचे कमरों में, तो इस वजह से मैं ऊपर ही लेट के, मैंने अम्मी जान को कहा, मैंने कहा ऊपर ठीक है मौसम और हवा चल रही है, मौसम ठंडा हो रहा है, तो इसी वजह से बस ऊपर ही सो रहा हूँ। तो बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।